अभिनेता से नेता बने सनी देओल कुछ वक्त पहले चुनाव लड़ने को लेकर काफी चर्चाओं में थे, जिसके बाद से वो लगातार किसी न किसी बात के चलते खबरों में ही बने रहते थे। लेकिन फिलहाल सनी देओल की मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। खबरों की माने तो सनी इस वक्त कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस गए हैं। बता दें कि साल 1997 में आई फिल्म बजरंग की शूटिंग के दौरान सनी देओल और करिश्मा कपूर को कुछ सीन ट्रेन के ऊपर शूट करने थे। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि फिल्म के क्रू मेंबर स्टेशन पहुंचकर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, तभी एक ट्रेन आई। क्रू के लोगों ने ट्रेन की चेन खींचकर इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया। इसके बाद फिल्म की टीम के साथ साथ सनी देओल और करिश्मा कपूर ट्रेन पर चढ़ गए और करीब 25 मिनट तक सीन की शूटिंग चली, जिसे लेकर स्टेशन मास्टर सीताराम मालाकार ने इस घटना की FIR दर्ज कराई थी। बता दें कि ये किस्सा लगभग 22 साल पुराना है। इस बात को लेकर दोनों स्टार्स पर आरोप लगा है कि ट्रेन की चेन पुलिंग की वजह से पैसेंजर्स का काफी समय बर्बाद हुआ और इस मामले को लेकर उन पर रेलवे एक्ट की धारा 141, धारा 145, धारा 146 और धारा 147 के उल्लंघन के आरोप लगाए गए। हाल ही में कोर्ट ने तीन गवाहों को जमानती वारंट के साथ 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए समन भेजा है। वहीं सनी देओल और करिश्मा कपूर की तरफ से रेलवे कोर्ट के फैसले को एक पिटिशन सेशन कोर्ट में दायर की गई थी। इस बात की जानकारी उनके वकील AK जैन ने दी। जब हाल ही में सनी फिल्म पल पल दिल के पास के प्रमोशन में पहुंचे तो उनकी मुलाकात उनके वकील से हुई। उनका कहना है कि कोर्ट ने दोनों स्टार्स को इस मामले में बरी कर दिया था, लेकिन रेलवे कोर्ट ने एक बार फिर दोनों पर चार्जेस लगा दिए। वेल तो ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है ये देखना दिलचस्प होगा। बात करें दोनों स्टार्स के वर्क फ्रंट की, तो जहां एक तरफ सनी देओल के बेटे करण देओल ने हाल ही में फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया है, जिसके प्रमोशन में सनी देओल इन दिनों बिजी चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ करिश्मा कपूर काफी वक्त से फिल्मों से दूर हैं।